कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा, थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेगी प्रियंका गांधी। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता कांग्रेस महासचिव का स्वागत करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी है प्रियंका गांधी। पार्टी के जिलाधिकारियों सहित किसान संगठन से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों व जिला एवं शहर अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक भी प्रियंका गांधी करने वाली है। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी आज पहुंच रही है लखनऊ। पार्टी के जिला अधिकारियों सहित किसान संगठनों से मुलाकात वो करेंगी। कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों जिला शहर अध्यक्षों के साथ में अहम बैठक करेगी। तो कहा जा सकता है कि अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक तरीके से रण में उतर गई है और प्रियंका गांधी थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेगी। उनके स्वागत की तैयारियां वहां पर पार्टी के सदस्यों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कर ली गई है। एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी कुछ ही देर में। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, जिसे प्रियंका गांधी आज लीड करते हुए पहुंचेगी। सबसे मुलाकात उस दौरान करेंगे। अधिक अपडेट के साथ में यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए, कहा जा सकता है अब जिस तरीके से हलचल काफी ज्यादा सभी पार्टियों की ओर से बढ़ गई है आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी भी काफी ज्यादा फ्रंट फुट में आकर खेल रही है। प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली है लखनऊ, जहां पर पूरा जो कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में सबसे पहले विस्तार से जानकारी दे अमरीश, साथ ही क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी बताएं। जैसे देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण है वो बड़ा उलट फेर करने वाला है जी। तो पंचायत चुनाव हो या जिला पंचायत या फिर ब्लॉक प्रमुख, जिस तरीके से कांग्रेस का फूफड़ा साफ हुआ उत्तर प्रदेश में, उसी के दृष्टिगत प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है बहुत अहम माना जा रहा है। मतलब पहली बात, आज के इस दौरे को अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जितने भी बड़े और वरिष्ठ नेता है वो सभी प्रियंका गांधी के स्वागत में एयरपोर्ट तक पहुंची है, जो कि मनोबल बढ़ाने वाला होगा प्रियंका गांधी के लिए। चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे वो नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना हो, चाहे वो अजय कुमार लल्लू हो प्रदेश अध्यक्ष, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सभी अपने नेता का स्वागत करने के लिए जिस तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट में स्वागत के बाद सबसे पहले डीपीओ जाएंगी और डीपीओ से प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय आएंगी। तो ये एक जो दौरा है इसमें जिस तरीके से बीजेपी ने कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी का दौरा किया, उसके बाद कल ही जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने समस्त प्रदेश की समस्त तहसीलों पर प्रदर्शन किया है और आज कांग्रेस से प्रियंका गांधी आ रही है, तो ये एक बड़ा राजनीतिक समीकरण है आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बड़ा चेहरा है प्रियंका गांधी, उम्मीदें काफी है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात किया जाए या 2019 के लोकसभा की, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पे प्रदर्शन तो कांग्रेस का रहा था, देखते हुए प्रियंका गांधी को चेहरा बनाया गया है। 30 साल का वनवास हो चुका और 30 साल के सूखे को एनडी तिवारी के बाद अब कोई ऐसा नेता घुलती हुई कांग्रेस नजर आ रही है कि जिसके बलबूते चुनाव में आगे बढ़ा जा सके। 3 दिवस ये दौरा है प्रियंका गांधी का। इस 3 दिन के दौरे में सबसे पहले कांग्रेस की नजर है कि अपने बूथ कार्यकर्ताओं को समेटे, जो कि दूसरे दलों की तरफ अब रुख कर रही है, और कांग्रेस के जो छोटे कार्यकर्ता है उनकी भी शिकायत है कि बड़े स्तर पर उनकी जो सुनवाई है वो होती नहीं है जी। इसी के दृष्टिगत प्रियंका गांधी के दौरे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि वर्चुअल संवाद करेगी और इसके साथ ही जो भी प्रदेश कार्यकारिणी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनको लखनऊ तलब किया गया है, ताकि उनसे उनकी परेशानियों को पूछा जा सके और एक एक व्यक्ति तक जो जनता संवाद है वो कैसे हो सके, इसी के निस्तारण से प्रियंका गांधी का दौरा अहम है। अमरीश, इसके अलावा प्रियंका गांधी वहां पहुंची और आने वाले दिनों में अब चुनाव को देखते हुए लगातार ये सिलसिला जो है सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा जरूर से यकीनन जारी रहेगा वहां पर, लेकिन बीते जो भी चुनाव यहां पर हुए हैं उसमें करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी, उसको रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना सकती है कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या विश्लेषण आपके पास? बिल्कुल, जहां तक मेरा राजनीतिक मानना है, 30 साल जैसी 1990 के आसपास का उस समय था जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई, ना ही गठबंधन के तहत और ना ही फिर अकेले दम पर। 2017 में कोशिश की थी राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर पार्टी बना ली थी, लेकिन वहां पे भी पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। और राहुल गांधी जो कि राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय स्तर पर है, जिस तरीके से उनकी एक छवि है और जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को भी ये पता है कि राहुल गांधी को अगर टारगेट किया जाएगा तो काफी हद तक कांग्रेस को पीछे ढकेला जा सकता है, इसीलिए प्रियंका गांधी के इस दौरे को अहम माना गया है। और प्रियंका गांधी को जब से कांग्रेस की बागडोर दी गई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, और
सीवन के लिए जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ प्रियंका गांधी दल बल के साथ पहुंची थी और वहां पे पीड़ितों को ये धारणा बनाया था कि एक महिला की मदद महिला कर सकती है। उसी के तहत प्रियंका गांधी क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, गांधी परिवार से आती है, गांधी परिवार की बेटी है, इंदिरा गांधी के रूप में इनकी छवि देखी जाती है। जिस तरीके से आइवन लेडी का खिताब दिया गया था जी जी इंदिरा गांधी जी को, उसी तरीके बिल्कुल प्रियंका का भी जो एक नाम है उसी के तहत ये काम करती नजर आएंगी। लेकिन जहां तक है बड़े नेताओं को साधने की जरूरत है, चाहे वो राज बब्बर हो, प्रमोद तिवारी हो, अजय कुमार लल्लू हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, इनका साथ बहुत जरूरी है क्योंकि एक अकेले दल पर कभी भी कोई नौकर पार हो नहीं सकती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल है और बीजेपी और सपा को पीछे ढकेल के अगर सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं तो भी एक टेढ़ी भीड़ नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बसपा और कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है, कोशिश को किस तरीके से पैमाने का रूप देती है ये एक बड़ा बड़ा काम होगा प्रियंका गांधी के लिए। और आने वाले दिनों में इसके लिए एक एक बूथ तक पहुंचना, जनता संवाद करना, जनता से संवाद है ये बहुत अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर एक जनता तक पहुंच गई तो शायद अपना काम जो है वो आसान कर लेंगे। जी जी चलिए बिल्कुल अमरीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो अब से कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है प्रियंका गांधी और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां जो है पुरजोर कर ली है कांग्रेस पार्टी ने। लखनऊ से अपडेट दे रहे हैं कांग्रेस महासचिव, प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी हुई। कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रियंका गांधी, जिसके बाद सभी से मुलाकात का कार्यक्रम। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता कांग्रेस महासचिव का स्वागत करेंगे और इसी के लिए सभी वरिष्ठ जो चेहरे हैं कांग्रेस के यूपी से वो सभी पहुंच चुके हैं वहां पर।